जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी लोग जो है होली अच्छे से मनाइए और साथ साथ में अपने जीवन में सफलता पाइए। जो है कमिंग एग्ज़ाम में आप सभी लोग सफल हों, ईश्वर से यही कामना है। और अब जो है हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हम लोगों ने स्पीड टेस्ट नंबर 7 कर लिया था, होली भी मनाते रहिए, स्पीड टेस्ट भी करते रहिए, और तभी अच्छी होली होगी जब आप जो है इस सत्र में जो है चयनित हो जाएंगे। तो आइए, हम लोगों का जो है होली धमाका जो है स्टार्ट होने वाला है। चलिए कुछ जो है स्पीड टेस्ट नंबर 8 की ओर चलते हैं। स्पीड टेस्ट नंबर 8 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इंग्लिश मीडियम में है क्वेश्चन, बट जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको जो है हिंदी में कन्वर्ट करके हम बताएंगे, उनको कोई समस्या नहीं आएगी, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो आइए बच्चों, आप लोग जो है अपने टेस्ट को करना शुरू करो। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं, आपके सामने दिख रहा है, अ स्फेरिकल एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट समझ लें कि जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है या व्यवहार करेगा। जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा। पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जैसा। दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस जैसा। तीसरा ऑप्शन है समतल प्लेट जैसा। चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल लेंस जैसा। तो जल्दी से बच्चों, आप लोग जो है इसका आंसर जो है नोट करिए अपनी कॉपी में, और अभी हम इसको बता देते हैं इसका क्या आंसर है, फिर अपना मिलान कर लीजिएगा। तो बच्चों, शायद आप लोगों ने जो है क्वेश्चन कर लिया होगा। एयरफोर्स में ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है। तो वायु का बुलबुला जल के अंदर जो है अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। तो बच्चों, इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम हिंदी में जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं अवतल लेंस, इस फैक्ट को याद रखिएगा। इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन सामने दिख रहा है। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हम बता रहे हैं, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पहला ऑप्शन केवल डीसी पर, दूसरा ऑप्शन है केवल एसी पर, तीसरा ऑप्शन है एसी और डीसी दोनों पर, चौथा ऑप्शन उच्च वोल्टता पर। तो जल्दी से आप लोग जो है आंसर लिखिएगा, क्या आंसर सही है। ठीक है, आप लोगों ने जो है आंसर जो है नोट कर लिया होगा। अब हम इसको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या सही है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और ये केवल एसी पर काम करता है, कभी डीसी पर काम नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही होगा, एसी ओनली। इसके बाद आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। हिंदी में हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं, एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, जो एसी मापक यंत्र हैं मापते हैं, एसी यंत्र मापते हैं। पहला ऑप्शन है शिखर मान, पीक वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है वर्ग माध्यमूल मान। तीसरा ऑप्शन है कोई भी मान। चौथा ऑप्शन है औसत मान। तो जैसा कि हम ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं एक बार किसी भी सीरीज में, आप सभी विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो हमने 50 सीरीज जो है दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, उन सभी क्वेश्चन का जो है अध्ययन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि उनमें से कई क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो एसी यंत्र होते हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा, एसी यंत्र जो है वर्चुअल वैल्यू मापता है। वर्चुअल वैल्यू का मतलब आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्यमूल मान का मापन करता है। जबकि डीसी यंत्र जो होते हैं वो पीक वैल्यू का मापन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सेकेंड सही होगा, आरएमएस वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल एक्सप्रेस्ड एज। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट नोट कर लें, किसी भी कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात दर्शाते हैं, किसी भी कुंडली के प्रेरकीय प्रतिघात को दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन एम्पियर में, दूसरा ऑप्शन ओम में, तीसरा ऑप्शन बोल्ट में, चौथा ऑप्शन वेबर में। तो जल्दी से आप लोग करिए, इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है। तो रिएक्टेंस हो, रेजिस्टेंस हो, इम्पीडेंस हो, सबकी यूनिट जो होती है ओम होती है। ऑप्शन सेकेंड सही होगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पावर फैक्टर इन एन LCR सर्किट एज रेजोनेंस। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट नोट करें, अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ
के लिए शक्ति गुणांक है। अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ के लिए जो है शक्ति गुणांक का मान है। तो जल्दी से करिए आप लोग, आइए हम लोग चेक करते हैं। आप देखिए पावर फैक्टर होता है cos phi। तो प्यारे बच्चों हमने पहले भी बताया है कि जो है अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ प्योरली रजिस्टिव सर्किट जैसा व्यवहार करता है। जब प्योरली रजिस्टिव होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच कला में अंतर कलांतर फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। cos 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन केवल ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन केवल आवेश संरक्षण, तीसरा ऑप्शन केवल संवेग संरक्षण, चौथा ऑप्शन ऊर्जा एवं संवेग दोनों। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या है। तो अभी इसका आंसर नोट कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक, एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के बराबर। दूसरा ऑप्शन है आभासीय, वस्तु के आकार के बराबर। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और आवर्धित, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करिए आप लोग। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासीय होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वर्चुअल सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, निम्न में से कौन सा यंत्र अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न में से कौन सा यंत्र अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन गैल्वेनोमीटर धारामापी, दूसरा ऑप्शन अमीटर, तीसरा ऑप्शन है विभवमापी, चौथा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। जल्दी से करिए आप लोग, जल्दी से आप लोग करिएगा कि क्या आंसर सही है इसका। आप लोग कर चुके होंगे, अब ऑप्शन हम सही करवा रहे हैं। इसमें क्या आंसर होगा? म्यूचुअल इंडक्शन पे जो काम करता है वो ट्रांसफार्मर काम करता है। अभी हमने आपको बताया था ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर, यदि यंग के द्विक स्लिट प्रयोग को जल में कराया जाए तो। पहला ऑप्शन फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है। दूसरा ऑप्शन है फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। और चौथा ऑप्शन देयर विल बी नो फ्रिंज, कोई भी फ्रिंज नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला हमने बताया था, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी होता है। जब एयर में कराया जाता है तो डी लैम्डा ए अपान डी होता है, जब वाटर में कराएंगे तो लैम्डा ए, यहाँ पर यहाँ लैम्डा एम हो जाएगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई डब्लू डैश जो होता है डब्लू बटे एन हो जाता है, एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं अपवर्तनांक। तो डब्लू बाई एन होने का मतलब घट गया, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन ए होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ, वैद्युत चुंबकीय तरंग किसकी चाल से चलती हैं? पहला ऑप्शन ध्वनि की चाल से, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की चाल से, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की चाल से अधिक चाल से, और चौथा ऑप्शन है ध्वनि की चाल की अधिक चाल से। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अब चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, ध्रुव प्राबल्यता की इकाई है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन न्यूटन पर एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर मीटर। पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तीसरा ऑप्शन एम्पियर मीटर, चौथा ऑप्शन है टेस्ला। तो स्मॉल एम जो होता पोल स्ट्रेंथ होता है, इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर मीटर होती है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, प्रतिघात की इकाई है। पहला ऑप्शन महो, दूसरा ऑप्शन ओम, तीसरा ऑप्शन फैराड, चौथा ऑप्शन एम्पियर। जल्दी करिए,
अभी हमने बताया था रिएक्टेंस हो, रेजिस्टेंस हो, इंपीडेंस हो, इनकी सबकी यूनिट ओम होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कूलाम चार्ज कितने ईएसयू के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों कूलाम जो होता है, ये कूलाम जो होता है आवेश का जो है एसआई मात्रक होता है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसे स्टैट कूलाम भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर वैद्युत इकाई, ये जो है आवेश की सीजीएस यूनिट होती है, और एक कूलाम में 3×10^9 ईएसयू होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी, 25 के संगत बाइनरी संख्या क्या होगी, जल्दी निकालिए। आइए अब डिस्कशन देखते हैं, 25 का बाइनरी हमको निकालना है, तो 2 से डिवाइड करो तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 25 को 2 से डिवाइड करते जाओ तो 12 दूना 24, रिमाइंडर 1, शेष 1 बचेगा, 2 छक 12 0, शेष 0 हो जाएगा, 2 तिया 6 0, 2 1 के 2 1 बचेगा, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हो जाएगा 11001, ये बाइनरी नंबर हो जाएगा 25 का बाइनरी, ये आपका जो है बेस 2। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो बाइनरी और डेसिमल है इसका कॉन्सेप्ट जरूर आप लोग समझ लें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इसका आ सकता है इस बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस, एक समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, एक समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन केवल वैद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर कोई मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, जब कोई प्रकाश की किरण कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य, पहला ऑप्शन घटती है, दूसरा ऑप्शन बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित, चौथा जो है आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो प्यारे बच्चों जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी मीडियम में प्रवेश करता है तो उसके सभी अभिलक्षण जो है घट जाते हैं, केवल आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वेवलेंथ इसका घट जाएगा, लैम्डा मीडियम होता है, लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डिक्रीजेज, ऑप्शन ए। पहले आप क्वेश्चन को करिए, इसके बाद जो है अपना चेक कर लीजिए। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के का विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश मतलब ई अपान एम का मान पूछा गया है इलेक्ट्रॉन के लिए, जल्दी से टिक करो ऑप्शन। आइए देखते हैं, ई अपान एम होता 1.76 × 10^11 कूलाम पर किलोग्राम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1.8 × 10^11 कूलाम पर किलोग्राम, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रो फैराड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 5 माइक्रो फैराड है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, बड़ी बूंद की धारिता सी डैश बराबर होता है, पहले तो आप लोग करिए जल्दी से, बड़ी बूंद की धारिता सी डैश इक्वल टू n^(1/3)×c होता है, 64 का क्यूब रूट ले लीजिए 4 आएगा और सी का मान 5 माइक्रो फैराड, 5×4 कितना होगा 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कर लिया होगा आप लोगों ने, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है इनफाइनाइट होती है, फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होती है, ऑप्शन पहला होगा। नेक्स्ट है, जल्दी करिए आप लोग, किलोवाट घंटा इकाई है, शक्ति का, ऊर्जा का, बलागुण का, इनमें से कोई नहीं, तो किलोवाट घंटा को बिजली की यूनिट कहते हैं, यह वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, इसे बीओटी भी कहते हैं, कभी कभी बीओटी लिखा होता है,
BOT का क्या अभिप्राय है, बिजली की यूनिट, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यदि किसी समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्राप्त वैद्युत गुटका डाल दिया जाए तो उसकी धारिता, पहला ऑप्शन बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, अपरिवर्तित, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो आप लोग जल्दी से करिए। तो वायु संधारित्र की अगर धारिता सी नॉट हो तो डाइइलेक्ट्रिक गुटका डालने पर धारिता सी बराबर होता सी नॉट इंटू के, तो के गुना हो जाता है, इसका मतलब बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर के बीच कलांतर होता है, जल्दी से करिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत वेक्टर एवं चुंबकीय वेक्टर के बीच कलांतर होता है। तो बच्चों आपको पता है कि जो त्वरित आवेश है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, किसी सीरीज में हमने बताया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कम से कम जो है 15 क्वेश्चन हमने करा दिया किसी सीरीज में। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और ये मैग्नेटिक वेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, पाई बाई टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, पहला ऑप्शन क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, धारा के मान को घटाना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन धारा के मान को बढ़ाना चाहिए, तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों ये डी ऑप्शन सही है, जितना ज़्यादा जो विभव मापी होता है उसके तार की लंबाई 4 से 12 मीटर लंबा होता है, लंबाई ज़्यादा लेने से क्या होता है, विभव प्रवणता कम होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाती है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन गेट, बेसिक गेट, मूल तार की गेट पूछा गया कौन से होते हैं, पहला ऑप्शन एंड गेट कॉमा आर गेट, दूसरा ऑप्शन नैंड गेट और नॉर गेट, तीसरा ऑप्शन और नॉट गेट, चौथा एंड और नॉट, जल्दी करिए। तो बच्चों एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं, और जो नैंड गेट और नॉर गेट होता है उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलाम्बियन फोर्सेज, कुलाम बल है, पहला ऑप्शन केंद्रीय बल, दूसरा ऑप्शन वैद्युत बल, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बल भी होता है, संरक्षी बल भी होता है, वैद्युत बल भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, सी। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमने आप लोगों को स्पीड टेस्ट जो है 8 आप तक जो है भेज रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट इनको अच्छे से करिए, काफ़ी स्टूडेंट जो है त्यौहार में बिजी हैं, होली में, क्योंकि जो हमने कल 2 वीडियो अपलोड किए थे अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है, क्योंकि हमारा ये जो YouTube परिवार है इसमें टोटल जो है 5000 से ज़्यादा जो है मेंबर हैं, और 5000 से ज़्यादा अगर मेंबर हैं तो कम से कम जो है जिस दिन वीडियो पढ़े तो कम से कम 3000 लोगों को देखना चाहिए, इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके और उसको रख लेते हैं, या कोई स्टूडेंट आज वीडियो अपलोड हो रहा 3 दिन बाद देखते हैं और फिर वो कमेंट करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि 15 से 20 मिनट समय निकाल करके आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें।